नमस्कार, मी सचिन मोरे, आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी। पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या। अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांची ईडीनी केलेली अटक ही बेकायदेशीर आणि राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने बोलले जात आहे। ईडीच्या पक्षपाती कारभाराविरोधात हिंगोली जिल्हाधिकाऱ्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय महासचिव तथा अल्पसंख्याक विभाग महाराष्ट्र निरीक्षक सलीम सारंग व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत देण्यात आले। देखिए, गांधी जी के तीन चीज थे कि बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सुनो मत। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट ने आई है, इसको चेंज कर दिया है। सच बोलो मत, सच देखो मत, सच सुनो मत। जब भी अगर कोई सच बोलता है अपोजिशन में, उनको अटैक करते हैं ईडी के थ्रू, सीबीआई के थ्रू। इनका दुरुपयोग इस तरीके से सेंट्रल एजेंसी का करते हैं। अभी नवाब जी ने जिस विषय पे छबीर वानखेड़े का जो उठाया था, तो उसको पूरी तरह से कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसी का सपोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, आज वो विषय की वजह से नवाब जी को ये बोला गया है, क्योंकि सच बोलने वाले लोगों को बीजेपी कहीं ना कहीं दबाती है। और दबाने का रीजन ये है कि हमारे पास हो, अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को इस तरीके से झुकाकर अगर इनको राज करना है, तो हम ये होने नहीं देंगे, इसका हम निषेध करते हैं। देखिए, गांधी जी के तीन चीज थे कि बुरा देखो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सुनो मत। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट ने आई है, इसको चेंज कर दिया है। सच बोलो मत, सच देखो मत, सच सुनो मत। जब भी अगर कोई सच बोलता है अपोजिशन में, उनको अटैक करते हैं ईडी के थ्रू, सीबीआई के थ्रू। इनका दुरुपयोग इस तरीके से सेंट्रल एजेंसी का करते हैं। अभी नवाब जी ने जिस विषय पे छबीर वानखेड़े का जो उठाया था, तो उसको पूरी तरह से कहीं ना कहीं सेंट्रल एजेंसी का सपोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, आज वो विषय की वजह से नवाब जी को ये बोला गया है, क्योंकि सच बोलने वाले लोगों को बीजेपी कहीं ना कहीं दबाती है। और दबाने का रीजन ये है कि हमारे पास हो, अगर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को इस तरीके से झुकाकर अगर इनको राज करना है, तो हम ये होने नहीं देंगे, इसका हम निषेध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश वृत्तवाहिनी।